ब्रजभूषण जो भाजपा के सांसद हैं आरोपी, उनको कहना कि पोक्सो का कानून प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस को खत्म कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि उस कानून के तहत कितने मामले दर्ज हैं और आज जो 16 साल की बेटी का भी और ना जाने कितनी नाबालिग बेटियां इसी कानून के तहत न्याय की उम्मीद लगाए बैठी हैं और आप कहते इस कानून को खत्म कर देना चाहिए। सिर्फ एक सांसद को बताने के लिए बहुत सोच समझकर लोकतांत्रिक तरीकों से संसद में जो पोक्सो का कानून लाया गया, क्या आप उसको यूं खत्म होने देंगे? नमस्कार, मैं नाजमिन खान और आप देख रहे हैं एसपीएन 9। उस महिला पहलवान खिलाड़ियों की चर्चा बार बार इसलिए हो रही है क्योंकि यहाँ पर उन्हें इंसाफ नहीं मिला है। यहाँ पर इंसाफ की मांग को लेकर दर दर की ठोकरें खाती हुई नजर आ रही हैं। मोदी सरकार यहाँ पर चुप्पी साधे हुए है। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाते हैं। अमित शाह चिट्ठी का जवाब नहीं देते हैं। ब्रजभूषण खुले तौर पर अपने बयान जारी करता है। ब्रजभूषण नार्को टेस्ट करवाने के लिए तैयार हो जाता है। ब्रजभूषण यहाँ पर कहता है कि आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो फांसी पर लटक जाएंगे, लेकिन वही ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यहाँ पर कोई कार्यवाही ना होना ये साबित करता है कि सरकार की साजिशों के तहत ब्रजभूषण को बचाया जा रहा है। ब्रजभूषण की बात की जाए तो मोदी सरकार में वो सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश से वो सांसद हैं। ऐसे में यहाँ पर उनका फायदा हो सकता है, ठाकुरों का वोट हासिल किया जा सकता है, इसलिए यहाँ पर ब्रजभूषण शरण सिंह को बचाने के लिए मोदी सरकार उतारू है। लेकिन कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी के जरिए, प्रियंका गांधी वाड्रा के जरिए, यहाँ पर सुप्रिया के जरिए, यहाँ पर तमाम उन लोगों के जरिए महिला पहलवान खिलाड़ियों का समर्थन किया जा रहा है और उन्हीं के साथ उनकी आवाज़ बुलंद की जा रही है और इससे यहाँ पर यह साबित हो जाएगा कि ब्रजभूषण जितना कोशिश कर रहा है कि वो यहाँ पर बच पाए, यहाँ पर उसकी गिरफ्तारी ना हो पाए, ऐसे में ये गिरफ्तारी भी पक्की होती हुई नजर आएगी। आपको बता दें कि जिस तरीके से पूरा मामला चल रहा है इसमें सबसे पहले सुप्रिया ने कई खुलासे किए। अब यहाँ पर अलका लांबा जो कांग्रेस की तरफ से है, उन्होंने ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर कई खुलासे करे और देश की बेटियों के साथ जो बर्बरता की जा रही है उसको लेकर दिल्ली पुलिस पर सवालिया निशान खड़े करते हुए नजर आ रहे। क्या कुछ अलका लांबा ने कहा है देखिए इस रिपोर्ट में। कि भाजपा के सांसद जिनके ऊपर यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप हैं, पोक्सो कानून नाबालिग बच्चियों के जो खिलाफ कानून में जो उनके अपराध हो रहे हैं उस पे कानून पोक्सो कानून के तहत एफआईआर दर्ज हैं, जब उस पे कार्रवाई नहीं होती, पूरा तंत्र सरकार पुलिस उस एक अपराधी के साथ जो भाजपा का सांसद है संरक्षण के लिए खड़ी होती है, तो स्वाभाविक है राजधानी दिल्ली और देश में ऐसे अपराधियों के हौसले बुलंद होंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये पूरी की पूरी सरकार बेटी नहीं बचाएगी, बेटियों के साथ इस तरह से जघन्य अपराध करने वालों को बचाती है, इसलिए उनके हौसले बुलंद है। आपको मालूम है हमारी साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, गीता फोगाट, बजरंग पुनिया जनवरी में आए थे, सरकार ने विश्वास दिया कि न्याय होगा, कमेटी का गठन होगा, इस विश्वास के साथ वो अपना धरना छोड़ते हैं और वापस चले जाते हैं। लेकिन मजबूर हुए ये सब लोग 3 महीने के बाद फिर अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के तहत दिल्ली के जंतर मंतर पर आकर बैठे और आज उन्हें जंतर मंतर पर बैठे हुए 35 दिन पूरे हो जाते हैं और 35 दिनों के बाद जब वो आए थे तो एफआईआर तब भी नहीं हुई थी, एफआईआर की मांग थी, गिरफ्तारी की मांग थी, सरकार नहीं झुकी, सरकार अपने आपराधिक सांसद ब्रजभूषण के साथ खड़ी रही, अंत में दरवाजा खटखटाना पड़ा सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, तुरंत एफआईआर के आदेश दिल्ली पुलिस को दिए और तब जाकर 7 दिन के बाद एफआईआर होती है। लेकिन आज दुर्भाग्य से कहना पड़ रहा है कि शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक अधिकारों के तहत जो आंदोलन चल रहा था उस आंदोलन में साक्षी मलिक, अंतर्राष्ट्रीय पदक जीत के देश का नाम रोशन करने वाली बेटी, मैं एक बार सब भारतवासियों को सबको कहूंगी आंख बंद करिए और वो नजारा दोबारा से याद करिए जब साक्षी मलिक पहलवानी के अखाड़े में
पटकनियां दे रही थी और यहां पर गर्व सीना जो है वो चौड़ा हो रहा था और तालियां बजा रहे थे, देश का गर्व से सीना चौड़ा हो रहा था। और जब साक्षी मलिक ने वो पदक जीता, याद करिए वो ध्वज ऊपर जा रहा है और साक्षी मलिक की आंखों से खुशी के आंसू बह रहे हैं और हम सब गौरवान्वित हो रहे थे। आज वही साक्षी मलिक कल सड़कों पर दिल्ली पुलिस द्वारा घसीटी गई वो दृश्य है कल के। और घसीटी नहीं गई, सुनिएगा, दंगे के तहत, दंगे के आरोपों में उन पर एफआईआर 7 घंटे नहीं लगे, एफआईआर हो गई। किसी सुप्रीम कोर्ट को नहीं आना पड़ा बीच में, कोई गृहमंत्री प्रधानमंत्री सब 2 मिनट में। और एफआईआर 147, 149, 186, 188, 332, 353, पता नहीं कितनी धाराओं में हमारे अंतर्राष्ट्रीय, हमारी बेटियां, हमारे गर्व, उन पर एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं। जिसे जेल में होना चाहिए था वो संसद भवन में बैठा था, और जिन्हें संसद भवन के उस परिसर में मेहमान के तौर पर जाकर बैठना चाहिए था वो कल हिरासत में, उनको रखा गया सारा दिन। और आज उनका लोकतांत्रिक अधिकार भी छीन लिया गया, वो जंतर मंतर पिछले 35 दिनों से जिस जगह पर बैठे थे उस जगह पर बैठने का उनका अधिकार, लोकतांत्रिक तरीकों से उस अधिकार को भी छीनने का काम इस देश की तानाशाह सरकार कर रही है। हमने कल वो वीडियो भी देखा कि जब विनेश फोगाट पदक जीत कर आई थी तो प्रधानमंत्री जी ने उन्हें बुलाया था, और वो वीडियो आप सब देख रहे हैं कि विनेश फोगाट को ही नहीं उसके परिवार तक को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, तो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं। और कल एक महिला पत्रकार कुछ ट्वीट करती हैं, प्रधानमंत्री जी तुरंत रीट्वीट करके उस महिला पत्रकार के ट्वीट का जवाब देते हैं। तो हम ये मानने को तैयार नहीं कि कल राजधानी दिल्ली की सड़कों पर जो शर्मनाक हरकत हुई, जिस तरीके से घसीटा गया, व्यवहार किया गया, वो प्रधानमंत्री जी की जानकारी में या नजरों में नहीं आया होगा। तस्वीरों से छेड़छाड़, एक हमारे पूर्व आईपीएस अधिकारी डॉक्टर आस्थाना, लगा ट्वीट फर्जी होगा, पर नहीं, उन्होंने माना ये मैंने ही ट्वीट किया है। और जब बजरंग पुनिया ने कहा कि गोली मार दीजिए तो ये लिखते हैं कि गोली तो मारेंगे हम, अभी तो घसीट कर लाए हैं, अब गोली मारेंगे। आप देख रहे हैं चल क्या रहा है इस देश में, सब खुली किताब की तरह है। कल एक तरफ भव्य संसद के उद्घाटन की तस्वीरें थी, तो वहीं देश में और विदेश में भी, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है ना, कैसे छुपा लेंगे चीजों को, पूरा सोशल मीडिया, जिस तरह से मैंने भी देखा देश की महिला बाल विकास मंत्री का ट्विटर हैंडल पे जो तस्वीर थी उसके नीचे पूरी तस्वीरें जो दिल्ली की सड़कों पर कल शर्मसार करने वाली थी वो दिखाकर उनको आईना दिखाने की कोशिश की गई, लेकिन वो अपने ट्विटर हैंडल को में उनको छुपाने का काम करती रही। मैं आपसे पूछती हूं, देशवासियों से एक लास्ट सवाल पूछना चाहती हूं, बेटियों को न्याय नहीं मिल रहा, सिर्फ यही एक बड़ा कारण है कि कोई पिता, कोई भाई अपनी नाबालिग बेटियों के साथ भी हो रहे अपराधों के लिए न्याय के लिए आगे आने की हिम्मत क्यों नहीं दिखाता? वो देखता है कि न्याय तो नहीं मिलेगा, बदनामी और होगी। जब साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, अंतरराष्ट्रीय प्लेयर का इस स्तर पर हाल किया जाएगा, इस तरह से बदनाम किया जाएगा और न्याय नहीं होगा। ये वो महिलाएं हैं हमारी जिनके प्रधानमंत्री जी निजी और व्यक्तिगत को तौर पे जानते हैं, जिनके ट्विटर पर फॉलो करते हैं, लेकिन अभी तक दुख की बात है 35 दिन से प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द नहीं बोला। और मैं पूछती हूं, देश इत्तेफाक रखता है कि ब्रजभूषण जो आरोपी हैं यौन उत्पीड़न के, गंभीर पोक्सो के कानून के तहत गंभीर आरोपों में, वो कहते हैं कि ये पदक जो साक्षी मलिक ने जीता, जो तिरंगा ऊपर जा रहा था और गले में वो पदक था, उसकी कीमत 15 रुपए है। मैं देश से पूछना चाहती हूं कि आप इस वाक्य से इत्तेफाक रखते हैं? आपसे पूछना चाहती हूं कि आप इससे भी इत्तेफाक रखते हैं कि ब्रजभूषण जो भाजपा के सांसद हैं, आरोपी, उनको कहना कि पोक्सो का कानून, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस को खत्म कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि उस कानून के तहत इन पे मामले दर्ज हैं।
और आज जो 16 साल की बेटी का भी, और ना जाने कितनी नाबालिग बेटियां इसी कानून के तहत न्याय की उम्मीद लगाए बैठी हैं, और आप कहते हैं इस कानून को खत्म कर देना चाहिए सिर्फ एक सांसद को बचाने के लिए। बहुत सोच समझकर लोकतांत्रिक तरीकों से संसद में जो पोक्सो का कानून लाया गया, क्या आप उसको यूं खत्म होने देंगे? तो ये बहुत से गंभीर सवाल आज देश के सामने, लोगों के सामने खड़े हैं। हम पूरे अपने बहादुर खिलाड़ियों को कहेंगे हिम्मत मत हारिए। हमने पहले दिन से कहा है, अभी भी हम वचनबद्ध हैं कि हम अपनी इन खिलाड़ियों के साथ, बेटियों के साथ न्याय मिल जाने तक पूरी ताकत के साथ खड़े रहेंगे। और ये आंदोलन वापस जंतर मंतर पर जिस तरह से चल रहा था, न्याय मिल जाने तक वहां पर चलने का अधिकार मिले। जो FIR इन पे दर्ज कर की गई है, उस FIR के लिए, इनके लड़ाई को लड़ने के लिए कांग्रेस अपना पूरा कानूनी तौर पर, जितने से जितने भी बड़ा वकील है इनसे लड़ने के लिए, जो कानूनी FIR करके इन्हें पुलिस अभी ब्रजभूषण को तो नहीं बुला पाई, पर इन्हें कभी भी बुलाएगी, रोज बुलाएगी, और क्या होगा यह आपके सामने है। हम धन्यवाद करते हैं हमारे बहादुर खिलाड़ी, देश का नाम अभी दोबारा से उन्होंने रोशन किया है, नीरज चोपड़ा जी। उन्होंने भी ट्वीट किया, प्रधानमंत्री जी ने जरूर देखा होगा कि नीरज चोपड़ा भी कल की तस्वीरों को देखकर शर्मसार हुए हैं, और उन्होंने खुद कहा है, मैं दुख व्यक्त करता हूं कि इस तरह की तस्वीरें एक खिलाड़ी को देखनी पड़ रही हैं। तो मैं आप सभी पत्रकार साथियों से कहूंगी, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, हमारी बहादुर बेटियां लगातार डटी हुई हैं, सच्चाई और ईमानदारी से प्रधानमंत्री से, देश के गृह मंत्री से न्याय मांग रही हैं कि आप न्याय करिए। और दिल्ली राजधानी के दो दृश्य हैं, कल का एक सुबह का है, दिन भर का, जहां आपने देखा जंतर मंतर पे आंदोलन को कुचला, किस स्तर पर कुचला, किस तरह का व्यवहार हुआ साक्षी मलिक के साथ, और शाम होते होते 16 साल की बेटी का, इसी यहां पर अपराधियों के हौसले बुलंद होते हैं। तो मुझे लगता है ब्रजभूषण का गिरफ्तार होना तुरंत और उस पर कार्रवाई होना बेहद जरूरी है। अगर ये कार्रवाई होती है तो देश की लाखों करोड़ों बेटियां जो न्याय की उम्मीद में बैठी हैं, उनके उनकी उम्मीदें बनी रहेंगी। और अगर ये कार्रवाई नहीं होती, जैसे अभी तक नहीं हुई, तो ये स्वाभाविक है कि अपराधियों के हौसले बुलंद होंगे, और इन अपराधों को जो दिल्ली में हुआ है आप रोक नहीं सकते हैं कभी भी। अलका लांबा ने साफ तौर पर कहा है कि देश की बेटियों की इज्जत तार तार हो रही है, ब्रजभूषण सरन सिंह को संसद में बिठाया जा रहा है, मान सम्मान दिया जा रहा है, और जिन्हें मान सम्मान देना चाहिए उनको यहाँ पर घसीटा जा रहा है, उनको यहाँ मारा जा रहा है। तो ऐसे में साबित हो गया है कि कांग्रेस यहाँ पर भरपूर समर्थन करती है, राहुल गांधी यहाँ पर भरपूर समर्थन करते हैं, और कांग्रेस के जरिए अब यहां पर महिला पहलवान खिलाड़ियों को इंसाफ मिलकर रहेगा, क्योंकि जो कुछ भी साजिशें यहां पर मोदी सरकार के तहत अपनाई गई थी, अब ये पूरा मामला कोर्ट में जाएगा, और खुद ब्रजभूषण सरन सिंह कबूल करता हुआ नजर आएगा कि उसने ही ये सारे गुनाह किए हैं। क्योंकि यहां पर बहुत जरूरी है, ब्रजभूषण अपने बचाव में तो चुप्पी तोड़ रहा है, अगर इस ब्रजभूषण पर सरकार ही एक्शन लेगी तो ब्रजभूषण वो सच भी खोलेगा, नार्को टेस्ट होगा सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में नार्को टेस्ट के जरिए ब्रजभूषण की सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। अब इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय कि क्या वाकई नार्को टेस्ट के जरिए ब्रजभूषण यहां सच कबूलता हुआ नजर आएगा, या फिर महिला पहलवान खिलाड़ियों का संघर्ष अभी लंबा चलने वाला है? क्या है आपकी राय, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।